भारत और चीन सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए जवानों के लिए बुधवार को कांग्रेसियों ने ट्रांसपोर्ट नगर पार्टी कार्यालय पर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि मंगलवार को लद्दाख के गलवा घाटी में हुए भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उन शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीदों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है और उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती है। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सैयद जमाल अहमद, पीसीसी सदस्य तौकीर आलम, महिला प्रदेश अध्यक्ष शहला अहरारी, प्रेमलता चतुर्वेदी, डॉक्टर पीएन भट्ट, संजय चौबे, शाहिल विक्रम तिवारी, सोमनाथ साहनी, फिरोज अहमद आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, देश बहुत ही संकटों से घिरा हुआ है। हमारे देश में लद्दाख के गलवान की खाड़ी में जो 20 जवान मारे गए हैं, उनको देखते हुए हमारे सभी भारतीय शहीद जवानों को आज जिला गोरखपुर कांग्रेस कमेटी में शोक सभा रखा गया है और उनके अदम्य बलिदान और साहस को हम सब नमन करते हैं। नमन करते हुए उनके परिवार के साथ हम लोग दुख में हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति दे सहने के लिए। हमारे वीर जवानों के लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करके शोक सभा हर जिले में प्रारंभ किए हैं और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को।